बदल रही है रूप जिंदगी। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे। फ्रेश ईयर की शुरुआत में हम सबका मन होता है कि एक फ्रेश फेस लेके चले, एक फ्रेश शुरुआत करें, फ्रेश पर्सनैलिटी लेके चले, लेकिन मेरे भाई कोई फायदा नहीं है अगर हम वही पुराने कपड़े पहन के आज भी आगे बढ़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। उन पुराने आउटडेटेड कपड़ों को हमें डंप करना पड़ेगा। सो इससे पहले कि लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स भी पुराने हो जाए, हम इन ट्रेंड्स को अपना लेते हैं क्योंकि पल पल में फैशन चेंज हो रहा है। So hello guys and girls, I am Apar Sharma and I am back with my new video and this time on latest fashion trends 2019. नंबर वन ऑन माई लिस्ट इज लेजी फिट। आई एम डैम श्योर कि जो लोग मस्कुलर नहीं है बहुत ज़्यादा और वो चिपकी हुई टी शर्ट्स पहनते हैं या बहुत टाइट फिटेड टी शर्ट्स पहनते हैं तो उनको किसी दूसरे बंदे की जरूरत पड़ती होगी टी शर्ट उतारने के लिए। बट अगर आपका कुछ भी बॉडी टाइप है, लेजी फिट आप पे हमेशा अच्छा लगेगा। अगर आप स्किनी हो तो भी वो आप पे अच्छा लगेगा, आप एवरेज लुकिंग पर्सन हो तो भी आप पे अच्छा लगेगा, और अगर आप फैट हो तो भी आप पे वो उतना ही अच्छा लगेगा। और लेजी फिट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घुटनों जितनी लंबी सलवार कमीज पहन लो। इसका मतलब है कि एक फ्री स्टाइल पहनो, एक कंफर्टेबल स्टाइल पहनो जो साथ ही साथ स्टाइलिश भी दिखाई दे। लेकिन अगर आप मस्कुलर हो और आप थोड़ी सी फिटिंग आप प्रेफर करते हो तो इस एरिया में आप फिटिंग करवा सकते हो और यहां से लेके यहां तक का एरिया थोड़ा सा लूज पहन सकते हो। शर्ट्स और जिमिंग टी शर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली आपको नहीं रेकमेंड करूंगा लेजी फिट। बट बात अगर हो रही है स्वेट शर्ट्स की, स्वेटर की या फिर फुल स्लीव टी शर्ट की तो वहाँ पे आप लेजी फिट की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज अ कलर ब्लॉक पेयर ऑफ शूज। आई एम श्योर कि आप लोगों ने कलर ब्लॉक स्वेट शर्ट्स देखी होंगी, टी शर्ट्स देखी होंगी, शर्ट्स देखी होंगी, बट शूज आपने नहीं देखी होंगी। और अगर नहीं देखी तो टेंशन क्यों ले रहे हो, और अर्बन गबरू है आपको ये सब दिखाने के लिए। एंड दैट इज माई न्यू पेयर ऑफ कलर ब्लॉक शूज। सो ये एक ऐसा पेयर ऑफ शू है जो अभी तक मैंने इंटरनेशनल पॉप स्टार्स को पहने हुए देखा था, लेकिन धीरे धीरे पंजाबी सिंगरों की हेल्प से ये इंडियन इंडस्ट्री में भी आ चुका है, फैशन स्टार्स के पास भी आ चुका है, और अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के पास भी आ जाए। एंड इससे पहले गबरू आप लोग मुझसे लिंक मांगो इन शूज का, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इंडिया से नहीं लिए, बाहर कोई मेरा फ्रेंड गया था मैंने उससे मंगवाए थे। तो आप लोग सिंपली ऑनलाइन सर्च कर सकते हो कलर ब्लॉक शूज या फिर मल्टी कलर शूज, और इससे मिलता जुलता पैटर्न या ये भी मिलता आपको उसको मंगवा लो। एक ड्रॉबैक जो इन शूज का है वो ये है कि ये हर आउटफिट के साथ टीम अप नहीं हो सकते। तो जब भी गली में निकलो गली बॉय बन के इससे कुछ मिलता जुलता पहनना और बोलना अपना टाइम आएगा। नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज समथिंग दैट इज नॉट सो पॉपुलर इन इंडिया, लेकिन ये डिजाइन पुराना है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बेसबॉल टी शर्ट्स। मैं पहले आपको अपनी वीडियो में बेसबॉल जैकेट दिखा चुका हूँ, लेकिन आज हम बात करेंगे बेसबॉल टी शर्ट के बारे में या फिर वार्सिटी टी शर्ट के बारे में। बेसबॉल टी शर्ट्स अगर आप पहनते हो तो ये आपको काफी ट्रेंडी, फंकी और कैजुअल लुक देती है, और अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हो वार्सिटी या बेसबॉल टी शर्ट्स के बारे में तो आपको कुछ लिमिटेड ब्रांड्स ही मिलेंगे, मेनली इंटरनेशनल ब्रांड जैसे कि टॉमी, कूव्स, NBA, ये कुछ ब्रांड्स हैं जो आपके लिए बेसबॉल टी शर्ट्स बनाती है। तो सिंपली आप मिंत्रा वगैरह पे सर्च कर सकते हो बेसबॉल टी शर्ट, जो आपको बेस्ट लगे वो आप ले सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने गुड़गांव में एक मॉल से 50% ऑफ में टॉमी हिलफिगर्स इसको परचेज किया था, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। एंड इसकी खास बात यही है कि इसको किसी भी चीज़ के ऊपर आप पहनोगे, इवन लोअर के ऊपर भी पहनोगे तो भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट आर द मिड टॉप स्लिप ऑन्स। अब टाइम आ चुका है कि आप अपने पुराने स्नीकर्स को बाहर निकालो, पुराने कैनवस शूज को बाहर निकालो और किसी नीडी पर्सन को जाके दे आओ या फिर उनको फेंक दो या कबाड़ी को दे दो, क्योंकि इतने टाइम से इतने सारे लोग ये सिमिलर चॉइसेस ही पहने जा रहे हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने विंटर्स में भी बूट्स पहने होंगे या फिर हाई एंकल शूज पहने होंगे। तो अब चलते हैं मिड टॉप्स की तरफ। मिड टॉप लेसी शूज भी पहन सकते हो आप या फिर मिड टॉप स्लिप ऑन्स भी पहन सकते हो, लेकिन ज्यादा ट्रेंड में आप मिड टॉप स्लिप ऑन्स ही आने वाले हैं, क्योंकि लो टॉप वाले जो होते हैं वो तो बहुत टाइम से हम लोग पहन रहे हैं। तो कुछ नया करने के लिए मिड टॉप स्लिप ऑन्स की तरफ चलते हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पे मैंने पहने ग्रे कलर के शूज फ्रॉम एरोपोस्टल जो स्वेड फैब्रिक में, और ये मैंने मिंत्रा की सेल से परचेज किए थे। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा, अगर आपको पसंद है आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हो इसका जो टंग एरिया है वो थोड़ा सा अपलिफ्टेड होता है, और यही इस शूज की USP को बनाता है। तो आप इस शूज की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज अ स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स। पिछले 3-4 महीनों में मैंने बहुत सारे फैशनिस्टास को स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स, जॉगर्स, जीन्स,
ट्रैक पैंट्स बहुत कुछ पहनते हुए देखा है, लेकिन अगर मैंगो पीपल की बात करूं तो उन लोगों को मैंने पर्सनली ये फैशन ट्रेंड फॉलो करते हुए नहीं देखा। तो बस नए साल की शुरुआत में नए ट्रेंड्स को अपना बना लेते हैं और स्ट्राइप ट्राउजर्स को ऊपर चढ़ा लेते हैं। स्ट्राइप ट्राउजर के साथ हमेशा दो केसेस आते हैं, पहला केस होता है जहां पे आपके ट्राउजर के साइड में स्ट्राइप्स दी होती है और दूसरा होता है ग्लोबल स्ट्राइप्स, आपकी पूरे ट्राउजर्स पे स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगे। बट मैंने इंटेलिजेंस ये दिखाई कि मैंने 2-in-1 कॉम्बो ले लिया जहां पे साइड में भी स्ट्राइप्स है और ग्लोबल स्ट्राइप्स भी हैं। और इस टाइप के ट्राउजर को आप किसी के भी साथ वेयर एंड पेयर कर सकते हो, चाहे वो जैकेट है, चाहे वो स्वेटशर्ट है, वो शर्ट है या फिर टी शर्ट है। नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज अ सेज कलर। गबरूज, आप जानते हो कि ग्रीन कलर बहुत ही छुपा रुस्तम कलर है। क्यों? क्योंकि ये हर साल अपना एक वेरिएंट लेकर आता है और वही कलर ट्रेंडिंग कलर ऑफ द ईयर बन जाता है। पहले ऑलिव कलर आया, फिर एमरल्ड आया, फिर मिंट ग्रीन आया, पेयर ग्रीन आया और इस टाइम आ चुका है सेज ग्रीन कलर, जो 2019 में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कलर होने वाला है। तो अभी से लग जाओ काम पे और अगर आप अपने लिए कुछ डिफरेंट और कुछ सेक्सी ढूंढ रहे हो तो इस कलर को अपना बना लो। तो अभी तो विंटर टाइम है इसलिए मैंने यहाँ पे सेज कलर का स्वेटर पहना है, बट विद टाइम समर्स आने वाली है तो मैं अपने लिए और भी चीजें इस कलर की लेने वाला हूँ। सो मैंने जो स्वेटर पहना है ये भी मैंने ऑफलाइन खरीदा है, क्योंकि ऑनलाइन अभी ये कलर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, बट आपको जहां भी मिल रहा है बस उसको लपक लो। और ये जो स्वेटर है इसका कलर भी काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है और इसका जो डिजाइन है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है ये उल्टा बना हुआ, बट ये आजकल स्टाइल बन चुका है, कुछ भी स्टाइल बन रहा है आजकल मार्केट में, तब भी चल रहा है। तो गबरूज, लास्ट पॉइंट कवर करते हैं इस वीडियो का, जो एक हेयर स्टाइल ही होगा, एंड दैट हेयर स्टाइल इज नोन एज एन आर्मी हेयर कट। और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, आपको करवा के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक अलग से सेपरेट वीडियो आए आर्मी हेयर कट के ऊपर। 2019 में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाला है आर्मी हेयर कट, तो जिसको करवाना भी जाके करवा लो, जिसको वीडियो की वेट करनी है करो, क्योंकि मुझे अभी वैसे मैंने सोचा नहीं है मैं कब करवाऊंगा, लेकिन जल्द ही मैं करवाने वाला हूँ। इसके अलावा गबरूज, कॉर्डरॉय फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आपने देखा होगा मैंने फेयरवेल वाली वीडियो में भी एक कॉर्डरॉय ब्लेजर पहना था, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। और कोई ट्रेंड अगर मेरे दिमाग में आएगा तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा। उसके लिए इंस्टाग्राम पे अर्बन गबरू मेंस लाइफस्टाइल को फॉलो करना मत भूलना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सबको बता दो कि लेटेस्ट ट्रेंड्स कौन से आने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब टू हमारे बोथ द चैनल्स, बेल आइकन दबा कर। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो गबरू, बी अ गबरू, अर्बन गबरू आउट। समझा गया।